हजरत सैलानी बाबा का एक ऐसा रहस्यमय जीरा, रहस्यमय कुआं, जिसके पानी से रूहानी ताकतें, भूत प्रेत, काला जादू, ये सब चीज़ें होती है दूर। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ हजरत सैलानी बाबा की दरगाह से, ये महाराष्ट्र में मौजूद है। दोस्तों आपको यहाँ आने के लिए सबसे पहले मलकापुर आना पड़ेगा, मलकापुर से बुलडाना जिला, बुलडाना जिला से आपको यहाँ पर सैलानी गाँव के लिए कई सारे टेम्पू, ई रिक्शा, बसें यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी हम सैलानी गाँव मौजूद है और यहाँ पर सैलानी जो दरगाह है यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है जीरा, जिसको कुआ बोला जाता है, जीरा बोला जाता है सैलानी बाबा का। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जब कुएं का पानी आया था तो सबसे पहले यहाँ पे सैलानी बाबा ने बजू करा था और तभी से यहाँ पे उस पानी की इतनी करामत है, रूहानी ताकत है, भूत प्रेत सब उस पानी से दूर होते हैं। यहाँ पे जिस किसी के शरीर के अंदर अगर रूहानी ताकत होती है, भूत प्रेत होता है, तो उसका पानी पड़ते ही कुएं का पानी अगर उसके शरीर के ऊपर डाला जाता है जीरे का पानी, तो उसको हाजिरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आपको दीदार कराते हैं। इस बावड़ी के, इस पानी के बहुत ताल्लुकात है अल्लाह से। बाबा सैलानी सरकार आखिरी वक्त में आप जिक्र इलाही में बैठने से पहले सरकार ने इस जगह में, इस इलाक़े में पानी की बूंद नहीं रहती थी। जब सरकार सैलानी बाबा ने आए थे, इस पानी, इस इलाके में पानी की कमी बहुत है। आज मैं इस पानी को, इस गांव को रोशन करूंगा, बल्कि आप सरकार सैलानी ने वजू के लिए आप हुक्म दिया अल्लाह से, या अल्लाह इस जगह की मुझे मेरी नाश रख लो। तो पानी उबलते हुए आगा ज़मीन में से, जब सरकार सैलानी ने वजू करिया और पानी पी लिए और आखिर और बैठक वाले बाबा जो बोलते हैं, बाबा सैलानी वहाँ पर पहले जिक्र इलाही और रमज़ानी बाबा, सुल्तान शाह अली बाबा के बीच में ये बौड़ी जो है पानी की जर्र का बौड़ी, तो ये बौड़ी से आप उन जो रमज़ानी बाबा, सुल्तान शाह अली बाबा के हिफाजत में आप जिक्र इलाही में रहते, और इस बौड़ी की इतनी ख़ास खूबी है, कहते हैं, देखते हैं, सुनते हुए आते हैं, जो भी बलाएँ रहते हैं आते हैं, पानी जहाँ के जाते हैं सारे बलाएँ यहाँ से चले जाती हैं। हर परेशानी, हर बड़ी, हर मुश्किलात, हर मुसीबतें, हर बलाएँ, जादू टोना, हर चीज़ दूर होती है, बल्कि नीयत इरादे से आते हैं, वो फैस पा के जाते हैं। वो जो शक के ऊपर डालते हैं, उसके ऊपर जो बलाएँ रहते हैं वो नाचते हैं, नाचते कूदते और जैसे जैसे मर्जी में आए उसे नाचते हैं और भागते रहते। जो इंसान भागते रहते, पकड़ो 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 बोल के पकड़ के लगा के फिर बिठाते हैं, फिर पानी नहलाते हैं, और ऐसा करने से उसके सारी बलाएँ दूर होते हैं। रूहानी इलाज इस पानी से भी बहुत खूब है, बहुत खूब। अभी हम देख रहे हैं कि जगह जगह ये कपड़े फेंके गए, तो इसका क्या? हाँ, इसके जो कपड़े जो है, जो जो इरादे से आते हैं लोग यहाँ पर, जो शक आते हैं वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर पानी नहाने के आंग पे के जो कपड़े रहते हैं वो छोड़ दे के निकल जाते हैं यहाँ से, वो होली में जलते हैं। होली इतनी धूम होती है, ये जो कपड़े जो है, जो भी है, वो कपड़े होली में जला देते हैं। मतलब ये कपड़े होली के दिन जलाए जाएंगे? हाँ, होली के दिन जलाए जाएंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ वो पेड़ के ऊपर कुछ पुतले गाड़े गए, ठोके गए। हाँ, वो भी जो उतारे रहते हैं, जो बलाएंगे रहते, जो आंग पे, जो रूहानी, जो आंग पे जो बला रहती वो बोलती है कि नींबू काटो या गुड़ी उतारा करो, ये झाड़ू पे टंगा दो मुझे, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, मैं इधर ही रह जाता हूँ, ये पहाड़ी में सरकार सैलानी की खिदमत करते हुए रह जाता हूँ, मैं नहीं आती आपके साथ में, बला बोलती है, इंसान साफ होके निकल जाता है। मतलब ये है कि जितने गुड़िया है उतने भूत प्रेत जिन जो भी बाहरी ताकत है वो उतनी बाहर गई हुई है। हाँ, बराबर गई हुई है। और आप कहाँ से आए हजरत? हम हैदराबाद से आए। और कितने लोग आए हैं? हम 7 आदमी आए। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? हम आ रहे 12 साल से। आप